हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि टीम व्यूअर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी टीम व्यूअर की मदद से आपका अगर मोबाइल शॉप है तो मोबाइल का अनलॉक करा सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का जो है ना कुछ तरीका होता है, वो तरीका आप जो है थोड़ा समझ लीजिएगा। ये वीपीएन आना चाहिए, इसलिए कि वीपीएन द्वारा जो है आपका मोबाइल का जो है अनलॉक करते हैं रिडायरेक्टर की मदद से। तो आप जैसे ही आप टीम व्यूअर को पहले डाउनलोड करने के लिए बताए थे आपको, टीम व्यूअर का वेबसाइट है बहुत ही इजी है। आप यहाँ पे डायरेक्टली टीम व्यूअर लिखिए और ये टीम व्यूअर में क्लिक करिए, और यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ पे क्लिक करिए। आपका डायरेक्टली यहाँ पर टीम व्यूअर जो है डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक करिए और देख लीजिए आपका सिस्टम कौन सा बिट का है। जैसे ये 64 बिट है, ये 32 बिट है। आप ध्यान रखिएगा कि 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका तो 32 बिट ही लगेगा। तो यहाँ पे दिस पीसी में हम क्लिक करते हैं, आपका अगर विंडोज 7 है तो माई कंप्यूटर आएगा, मेरा ये विंडोज 10 है तो जिसके कारण जो है यहाँ पे दिस पीसी आ रहा है। तो हम राइट क्लिक करके फिर यहाँ प्रॉपर्टीज में जा करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है इसका प्रॉपर्टीज ओपनिंग हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम टैब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर 64 बिट है मेरा, देख सकते हैं ये 64 बिट है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम डाउनलोड करेंगे ये 64 बिट का ये क्या कहते हैं इसको टीम व्यूअर। क्या कि हम 32 बिट अगर डाउनलोड करेंगे तो इसमें 32 बिट का इंस्टॉल नहीं होगा, जिसके कारण हमको 64 बिट का इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल करने का हम तरीका भी आपको बता देते हैं। अगर आप वेबसाइट से डायरेक्ट नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली लिंक में क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, इसी तरह से खुलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इंस्टॉल कीजिएगा, स्टेप बाई स्टेप देखिएगा हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ आप मेरा वेबसाइट में भी जा करके, ये सपोर्ट साइट में जा करके भी आप उसका लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। अभी डाउनलोड हो रहा है, हम डाउनलोड करके नहीं रखे थे जिसके कारण जो है अभी हम डाउनलोड करके आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा टीम व्यूअर का सेटअप डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और जैसे यहाँ यहाँ पे बता रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मेरा, तो हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रिमूव कर देते हैं हम। ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अब हम आपको इंस्टॉल करके बताते हैं कि कैसे इंस्टॉल होता है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये टीम व्यूअर है। जैसे ही ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे शो एडवांस सेटिंग करना है, इसलिए इसको शो एडवांस सेटिंग करने से क्या होगा कि आपका जो वीपीएन का ऑप्शन है डायरेक्टली इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम यस कर दिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूज टीम व्यूअर वीपीएन। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा काम आता है, तो आप ये जो है कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसको भी कर लिए, टीम व्यूअर प्रिंटर ड्राइवर। तो इसको करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है। बहुत ही सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, बहुत ही इजी है। आप इसके द्वारा आप कोई भी मोबाइल को अनलॉक करा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके, या और भी बहुत सारा भाई लोग है जो टीम व्यूअर की मदद से आपको फ़ोन अनलॉक करके देता है। तो देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तब जा करके यहाँ पर कुछ देर बाद आईडी और पासवर्ड शो होगा। ये अभी नॉट रेडी है, यहाँ पे देखिए अब रेडी हो गया, रेडी टू कनेक्ट श्योर कनेक्शन। तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि नेट अगर बढ़िया रहेगा तो आपका ये जल्दी आ जाता है आईडी और पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को देखें पूरी तरह से और समझें और वीडियो को लाइक करें। और YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।